हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रोटोकार्डेट से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ये टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में आए हुए पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 7 और 8 अगस्त को एग्जाम होने वाला है उसमें ये आपकी काफ़ी मदद करेंगे, तो इसको ज़रूर से करके जाइए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा पे है ये। करेंट ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड इन ब्रैंकियोस्टोमा बाय, जो ब्रैंकियोस्टोमा होता है उसमें जो वाटर करेंट होती है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पे दिया है बाय सीलिया, बाय द सिराई, बाय विल ऑर्गन या बाय रोस्ट्रम। तो यहाँ पे जो वाटर करेंट प्रोड्यूस की जाती है ब्रैंकियोस्टोमा में, वो जो है कि सिलिया के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है वाटर करेंट। और यह जो सिलिया होती है यह जो है ब्रैंकियोस्टोमा के माउथ के चारों तरफ होती है, और इसमें जो सिराई होती है ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं, और जो सिलिया होती है, सिलिया जो है जल की धारा उत्पन्न करती है वाटर करेंट को, और ये प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्टिलाइज्ड एग ऑफ एम्फियोक्सस इज ट्रू, जो एम्फियोक्सस होता है उसका जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डार्सल क्रिसेंट फॉर्म नोटोकॉर्ड, जो डार्सल क्रिसेंट होता है जो टिश्यू का एक हिस्सा होता है वो जो है नोटोकॉर्ड को बनाता है, या क्लियर साइटोप्लाज्म जो है फॉर्म द एंडोडर्म, यहाँ पे वेंट्रल क्रिसेंट फॉर्म द एपिडर्मिस, एंड ग्रेनुलर योक साइटोप्लाज्म फॉर्म द न्यूरल स्ट्रक्चर। तो अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो जो एम्फियोक्सस होता है, ठीक है, उसका जो एग होता है फर्टिलाइज होने के बाद जो एग बनता है और उस जिससे कि फिर से एम्फियोक्सस बनता है, तो एम्फियोक्सस में आपको पता है कि नोटोकार्ड होता है, तो यह जो है डॉर्सल क्रिसेंट से बनता है। जो एम्फियोक्सस का नोटोकार्ड होता है वो डॉर्सल क्रिसेंट से बनता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉर्डेट बट नॉट ए वर्टिब्रेट, जिसे बहुत सारे एनिमल जो हैं वो ऐसे होते हैं जो कि कॉर्डेट तो हैं लेकिन वर्टिब्रेट में नहीं आते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि कॉर्डेट, विच इज ए कॉर्डेट बट नॉट ए वर्टिब्रेट। वर्टिब्री, क्योंकि इसमें वर्टिब्री एब्सेंट होती है इसलिए यह जो है कि वर्टिब्रेट में नहीं आता है। पहला है कटला, दूसरा है हिपोकैम्पस, तीसरा है हेमिडेक्टाइलस, एंड चौथा है एम्फियोक्सस। तो यहाँ पे एम्फियोक्सस जो है यह जो है कार्डेट में आता है लेकिन वर्टिब्रेट में नहीं आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फाइलम है कॉर्डेटा हमारा, उसको हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में। तो जो हेमिकॉर्डेट होते हैं उसमें बेलेनोग्लासस और सोकोग्लासस आते हैं, यूरोकॉर्डेट में आता है हार्डमेनिया, पायरोसोमा और मोलगुला, और सिफेलोकॉर्डेट में आता है बेलेनो ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सस। ठीक है, तो हमारा जो कॉर्डेट है उनमें आते हैं ये, और चौथा जो है डिवीजन वो है वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा फाइलम है कॉर्डेटा उसको सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट में वो कौन कौन से आते हैं, फिशेज आ गई, एम्फीबियन, फिशेज, रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स आते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एम्फियोक्सस है वो सिफेलोकॉर्डेट सब फाइलम का एनिमल है, उसके अंतर्गत आता है, और यह जो है लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा चपटा मछली जैसा होता है, और इसकी जो तंत्रिका रज्जु होती है, नर्व कॉर्ड जो होती है या और नोटोकॉर्ड, इसके शरीर के पूरी लंबाई में आजीवन उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके अग्रभाग को ओरल हुड कहते हैं, उपस्थित होता है, ठीक है, और तैरने के लिए फिन्स होते हैं। तो यह जो एम्फियोक्सस होता है इसमें तैरने के लिए फिन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, एम्फियोक्सस
एम्फियोक्सस बिलोंग टू। तो जो हमारा फाइलम है कॉर्डेटा, उसको हमने डिवाइड किया हुआ है 4 सब फाइलम में, हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट में, तो हमें जो है, और वर्टिब्रेट में, तो हमें जो है सबके एग्जांपल याद होने चाहिए। हेमिकॉर्डेट में कौन सा आता है, वेलनोग्लासस, एक एक एग्जाम्पल याद रहने चाहिए। यूरोकॉर्डेट में आता है हार्डमानिया, और एम्फियोक्सस, ब्रैंकियोस्टोमा को ही एम्फियोक्सस कहते हैं, तो एम्फियोक्सस जो है किस में आता है, सिफेलोकॉर्डेट में आता है। एम्फियोक्सस किस में आता है, सिफेलोकॉर्डेट में आता है। यूरोकॉर्डेट में क्या आता है, यूरोकॉर्डेट में हमारा आ जाता है हार्डमानिया, और बेलेनोग्लासस किस में आता है, हेमिकॉर्डेट में, ठीक है। तो बी से हो जाएगा ब्लेनोग्लासस, और यूरोकार्डेट में हमारा आ जाएगा हार्डमानिया, एच से हो जाएगा हार्डमानिया, ठीक है, और सी से हो जाएगा सिफेलोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट में हमारा हो जाएगा ए से एम्फियोक्सस, तो ठीक है। तो यहाँ पे हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट, इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, BHA, ठीक है, भा, BHA भा से भी याद कर सकते हैं। तो पहला बेलनोग्लासस, और दूसरा हो गया यूरोकार्डेट का एच, हार्डमानिया का, और सिफेलोकार्डेट का एम्फियोक्सस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर ऑफ एम्फियोक्सस इज ट्रू, एम्फियोक्सस का कौन सा कैरेक्टर ट्रू है, प्रेजेंस ऑफ ओरल हुड, सिडेंटरी लाइफ, क्वाइल एलिमेंट्री कैनाल, प्रेजेंस ऑफ टेस्ट का प्रेजेंस होना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओरल हुड प्रेजेंस होता है, तो ये एम्फियोक्सस का ये कैरेक्टर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शो लुमिनिसेंस, इसमें से कौन सा जो है कि लुमिनिसेंस को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पायरोसोमा जो कार्डेटा संघ का उपसंघ है, उसमें जैसे कि सब फाइलम यूरोकार्डेटा का है वो, ठीक है। पायरोसोमा क्या है, पायरोसोमा जो है एग्जाम्पल है यूरोकार्डेट का, पायरोसोमा, और पायरोसोमा और कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, पायरोसोमा और हार्डमानिया होते हैं एग्जाम्पल यूरोकार्डेट के, ठीक है। तो जो पायरोसोमा है यूरोकार्डेट का ही एक एग्जाम्पल है, और यह प्रकाश उत्सर्जित करता है, यह जो है जीव बायोल्यूमिनेसेंस जंतु है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो पायरोसोमा, पायरोसोमा जो है यह लाइट इमिट करता है, और यह यूरोकार्डेट का एनिमल है। बेलेनोग्लासस, बेलेनोग्लासस इज कॉमनली नोन एज, बेलेनोग्लासस को हम और क्या कहते हैं, अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, कॉर्नवॉर्म, टंगवॉर्म, तो इसको टंगवॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्वा बेलेनोग्लासस, बेलेनोग्लासस के लार्वा को हम क्या कहते हैं, तो बेलेनोग्लासस का जो लार्वा होता है उसे हम टर्नेरिया लार्वा कहते हैं। कुछ तो एनिमल्स के लार्वा जो है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है, इसी को घुमा के फिर से पूछ लिया, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पे पूछ लिया टर्नेरिया इज द लार्वा, अब टर्नेरिया किसका लार्वा है, तो यह जो है अभी पूछा था कि बेलेनोग्लासस का लार्वा क्या है, तो टर्नेरिया है, टर्नेरिया इज द लार्वा ऑफ द बेलेनोग्लासस। नेक्स्ट लार्वा बेलेनोग्लासस इसको फिर से पूछ लिया है, ठीक है, तो आपका टर्नेरिया हो जाएगा। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है वो किसका कैरेक्टर होता है, यूरोकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट। जो हमारा कॉर्डेट जो फाइलम है उसको हमने डिवाइड किया है हेमिकॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट में, तो यहाँ पे कह रहा है कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो किसका कैरेक्टरिस्टिक है, जो यूरोकॉर्डेट होते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसमें क्या होता है कि यूरोकॉर्डेट का यह रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो है विशिष्ट लक्षण होता है। इसमें क्या होता है कि टेडपोल से वयस्क में विकास के दौरान कुछ जो है अंग संकुचित हो जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं, जैसे कि हार्डमानिया से, हार्डमानिया में क्या होता है कि लार्वा में बहुत सारे जो होते हैं अंग होते हैं वो हार्डमानिया के एडल्ट में नहीं होते हैं। तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किस में पाया जाता है, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यूरोकॉर्डेट में, हार्डमानिया में। द
एक्सक्लूसिव सीडेंटरी प्रोटोकार्डेट एनिमल आर फाउंड इन क्लास, जो एक्सक्लूसिवली सीडेंटरी प्रोटोकार्डेट होते हैं, प्रोटोकार्डेट एनिमल होते हैं, वो किस क्लास में पाए जाते हैं, पेटीरो ब्रैंकिया लार्वेसी या एसीडी एसी या फिर थैलिएसी, तो यह जो है एसीडी एसी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, जो रिप्रोडक्शन होता है हेमिकार्डेट्स में वो कैसा होता है। रिप्रोडक्शन इन हेमिकार्डेट इज मेनली, जो हेमिकार्डेट्स होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली कैसे होता है। एसेक्सुअल होता है, बर्डिंग से होता है, सेक्सुअल होता है या रीजनरेशन से होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेमिकार्डेट जो होते हैं इनमें जो ज़्यादातर जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये सेक्सुअल होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हेमिकार्डेट होते हैं इनका बॉडी तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है, और इसलिए इनमें जो है कि रिप्रोडक्शन जो है ज़्यादातर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। एक्सक्रीशन इन द यूरोकार्डेट इज ऑकर थ्रू, जो एक्सक्रीशन होता है यूरोकार्डेट्स में वो कैसे होता है। यूरोकार्डेट्स में जो एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है, बाय नेफ्रोसाइट, बाय न्यूरल ग्लैंड, बाय ग्लोमेरुलस, या फिर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बाय नेफ्रोसाइट, बाय न्यूरल ग्लैंड, बाय ग्लोमेरुलस, बाय न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यूरोकार्डेट्स होता है, जैसे कि हमारा जो संघ हो गया कि हेमिकार्डेट, यूरोकार्डेट, सिफेलोकार्डेट, तो इसमें जो यूरोकार्डेट होता है इसमें जो है नोटोकार्ड जो होता है, नोटोकार्ड केवल इसके लार्वल के टेल में उपस्थित होता है, इसलिए इसे यूरोकार्डेट कहते हैं। और इनमें उत्सर्जन के लिए जो होती है न्यूरल ग्लैंड होती है, पाइलोरिक ग्लैंड होती है और नेफ्रोसाइट्स होती है। और इनमें जो है ओपन टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है, हार्डमानिया इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन हार्डमानिया टेक्स प्लेस बाय, जो हार्डमानिया होता है उसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है, बाय न्यूरोसाइट, बाय नर्व गैंग्लिया, बाय सोलेनोसाइट, बाय न्यूरल ग्लैंड। तो जो हार्डमानिया होता है इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो न्यूरल ग्लैंड के द्वारा होता है, और यहाँ पे ये न्यूरोसाइट नहीं नेफ्रोसाइट होता तो सही हो जाता, नेफ्रोसाइट, और पाइलोरिक ग्लैंड के द्वारा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ न्यूरल ग्लैंड इन हार्डमानिया इज इन, जो मेन फंक्शन होता है न्यूरल ग्लैंड का हार्डमानिया में वो क्या होता है। सेंसेशन होता है, रेस्पायरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है या सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन एक्सक्रीशन हो जाएगा। अभी हमने देखा कि मेन फंक्शन का जो है कि एक्सक्रीशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेनेडियम इज सपोज टू बी द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो वेनेडियम होता है यह जो है क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ठीक है। वेनेडियम जो है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, और यह जो है किस में पाया जाता है, ठीक है। अरे वेनेडियम जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है और यह जो है कि किस में पाया जाता है। तो पहला हो गया हमारा इकाइनोडर्म में पाया जाता है, कि बेलेनोग्लासस में, कि हार्डमानिया में, कि एम्फियोक्सस में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हार्डमानिया। हार्डमानिया से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हार्डमानिया में एक्सक्रीशन कैसे होता है और रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वेनेडियम होता है। हार्डमानिया में रेस्पिरेटरी पिगमेंट वेनेडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हार्डमानिया, विच सजेस्ट दैट इट बिलोंग टू द एसीडीएसी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है विच इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो होता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का, हार्डमानिया का, जो कि हमें सजेस्ट कर सकता है कि यह किससे, कौन से क्लास से बिलोंग करती है, एसीडीएसी से, ठीक है। तो इसका कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, यहाँ पे माउथ है, क्लोएका है, टेस्ट है या फूट है। आंसर हमारा हो जाएगा टेस्ट। जो हार्डमानिया का टेस्ट होता है ना, जो आवरण होता है वो ट्यूनिसिन नामक पदार्थ की बनी होती है, ठीक है, और जो कि इसका एक विशिष्ट लक्षण है, ठीक है।
एक्सक्रीशन इन हार्ड मैनिया टेक्स प्लेस बाई, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछा गया है। नेफ्रोसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, नेफ्रोसाइट, नर्व गैंग्लिया, न्यूरल ग्लैंड और सोलेनोसाइट्स। तो नेफ्रोसाइट से भी होता है यूरोकार्डिट में, लेकिन जो हार्ड मैनिया होता है, हार्ड मैनिया में एक्सक्रीशन न्यूरल ग्लैंड से होता है, ये हमें याद रखना है। अगर यहाँ पे यूरोकार्डिट्स होता तो वहाँ पे हम लोग तीनों आंसर नेफ्रोसाइट्स और पाइलोरिक ग्लैंड और जो है कि न्यूरल ग्लैंड सभी लगाते हैं। फिक्सेशन पैपिला आर फाउंड इन, जो फिक्सेशन पैपिला होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे है टर्नेरिया लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, गोलिचिडियम लार्वा और एसिडियन लार्वा। तो किस में जो है कि जो एसिडियन लार्वा होता है इसमें जो है कि फिक्सेशन पैपिला पाई जाती है। फिक्सेशन पैपिला के मदद से ये कहीं भी अपने आप को चिपका सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल ऑर्गन इज प्रेजेंट इन, जो विल ऑर्गन होते हैं किसमें प्रेजेंट होते हैं, स्टार फिश में कि एक कॉर्न बॉर्म में कि हार्ड मानिया में या एम्फियक्सस में। तो विल ऑर्गन जो होते हैं वो प्रेजेंट किसमें होते हैं ये हमें बताना है। तो एम्फियक्सस में जो है विल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और यह जो है इनके विल ऑर्गन जो है इनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे गिजर्ड होता है टेफ्लोसोल एब्जॉर्प्शन में, डाइजेशन में किसमें, अर्थवर्म में, वैसे ही व्हील ऑर्गन जो होते हैं एम्फियोक्सस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग रोलिंग बिहेवियर ऑफ आंसर इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, दिस इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, तो यह जो है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के बारे में ये है कि जो कॉनराड लॉरेंज ने बताया था, ठीक है, एक यह जो है आंसर के एक रोलिंग की व्याख्या की थी, ठीक है। तो लॉरेंज ने कॉनराड लॉरेंज ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लास्टोपोर से बनता है, ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, ब्लास्टोपोर से या तो माउथ बनता है या किडनी बनता है या एक्सक्रीटरी पोर है या रेस्पिरेटरी पोर है। तो यहाँ पे हो जाएगा माउथ बनता है ब्लास्टोपोर से। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर तो ज़रूर से करें। अब यहाँ पे देखिए कि जो एनिमल किंगडम है उससे जो है कि टीजीटी पीजीटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनिमल किंगडम के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगी, तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।